नमस्कार दोस्तों, ADPO तैयारी के विषय क्रम में हम पढ़ रहे थे सूचना का अधिकार अर्थात RTI एक्ट सन 2005 का ये एक्ट है। इसमें अभी तक हमने पार्ट वन में पढ़ लिया था धारा 5 तक। अब इसके आगे बात करते हैं तो धारा 6 कहती है सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध अर्थात ये आवेदन की बात करती है कि हम RTI या सूचना का अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किस तरीके से करेंगे। तो ये है धारा 6। जब आप आवेदन पत्र RTI का लेते हैं और प्रिंटेड जो आता है उसमें फॉर्म भर के जब देंगे तो उस फॉर्म में कभी देखिएगा उसके ऊपर लिखा रहता है सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 6(1) अर्थात धारा 6 की उपधारा 1 के तहत यह आवेदन रहता है। तो वही इसमें ये लिखा है धारा 6 और इसका पहला जो क्लॉज है उपधारा जो है ठीक है उसमें ये लिखा है कि यह आवेदन लिखित में हो सकता है या फिर डिजिटल फॉर्म में हो सकता है अर्थात ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। भाषा क्या होगी तो या तो इंग्लिश होगी या फिर हिंदी में दे सकते हैं या फिर क्षेत्रीय राजभाषा में। तो क्षेत्रीय राजभाषा कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें वहाँ की राजभाषा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया है जैसे कि तमिलनाडु में तमिल भाषा, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी। तो वहाँ की भाषा में आप उस राज्य में RTI दे सकते हैं। इसके बाद उचित फीस के साथ, तो उचित फीस क्या होगी जो नियमों में भेद की जाएगी। आगे नियम है 2012 के जो नियम है उसमें भेद की गई जैसे कि 10 रुपये का स्टाम्प जो लगता है 10 रुपये की फीस वह इसमें उचित फीस है, ये आवेदन वाली फीस है। इसके बाद मान लीजिए अन्य प्राधिकारी से संबंधित कोई जानकारी, यानी हमने जानकारी मांगी किसी प्राधिकारी से और पता चलता है कि जो हमने जानकारी मांगी वह जानकारी किसी दूसरे विभाग से संबंधित है या उसी विभाग में किसी दूसरे प्राधिकारी से संबंधित है या दूसरे प्राधिकारी के अंडर में है वह जानकारी, तो वह क्या करेगा, वह जो अधिकारी जिसको हमने आवेदन दिया है वह अधिकारी उस आवेदन को, हमारे आवेदन को उस अन्य प्राधिकारी के पास ट्रांसफ़र कर देगा ठीक। और ट्रांसफ़र करने की बात की जानकारी हमको दे देगा 5 दिन में, इस बात की जानकारी भी देगा और 5 दिन के अंदर ट्रांसफ़र भी वहाँ पे करेगा ठीक। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है इसी धारा 6 में है कि इसमें आप क्या क्या जानकारी देंगे तो और क्या क्या मांगेंगे। तो जो आपको जानकारी चाहिए जिस अधिकारी से चाहिए उसका पद नाम लिखेंगे आप ठीक है। इसके बाद जो मांगी गई सूचना उसकी विशिष्टियाँ आप बताएंगे, विशिष्टियाँ अर्थात उसमें जो स्पेसिफाइड करेंगे आपके पर्टिकुलर आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। एक डिटेल रूप में नहीं कि ये सड़क जो बनवाई जा रही है इसके बारे में जानकारी दीजिए, ऐसा नहीं, बल्कि आपको पर्टिकुलर जो उसकी जानकारी है वो मांगनी पड़ेगी कि सड़क जो बनाई जा रही है उसके जो खर्चे हैं उसके कितने रुपये उसके लिए आवंटित हुए हैं, उसमें से कितने ठेकेदार को दिए गए हैं, कितने का टेंडर निकला है ठीक है, अभी तक कितना हो चुका है इसको डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कितना पेमेंट इसको बाद में होगा ठीक। इस प्रकार की जानकारी आपको पर्टिकुलर लिखनी होगी, इसको कहते हैं विशिष्टियाँ, कि विशिष्टियाँ आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी ठीक। इसके अलावा उसमें खुद की जो जानकारी है तो खुद की जानकारी में आपको अपना सिर्फ व्यक्तिगत जो जानकारी है पर्सनल ब्यौरा है वह सिर्फ इतना देना होगा जितने में कि वह अधिकारी वह विभाग आपसे संपर्क कर सके, इसके अलावा अन्य कोई जानकारी अपने बारे में नहीं देनी है, सिर्फ उसी जानकारी जितने में कॉन्टैक्ट कर सके जैसे आपका नाम, आपका निवास जहां आप रहते हैं और आपका फ़ोन नंबर जिससे कि वह आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। इसके अलावा कोई व्यक्तिगत ब्यौरा नहीं देना, साथ ही कोई कारण नहीं बताना है कि आखिर हम यह जानकारी क्यों मांग रहे हैं, हम इसका क्या करने वाले, इस संबंध में कोई जानकारी देने का प्रावधान इस एक्ट में नहीं है, कोई अधिकारी नहीं मांगेगा और मांगे भी तो आपको नहीं देना। अब आते हैं धारा 7 पर। धारा 7 कहती है अनुरोधों का निपटारा। तो अनुरोध अर्थात पिछली धारा 6 में जो आवेदन दिया गया है उसका निपटारा अब अधिकारी किस तरीके से करेगा ठीक है। तो धारा 6 जो थी वह आवेदक के लिए थी, एप्लीकेंट के लिए, धारा 7 ये अधिकारी के लिए है। तो इसने बोला है कि 30 दिन के अंदर उसे निपटारा करना। अब निपटारे के दो तरीके होते हैं, या तो जवाब दे दे या रिजेक्ट कर दे, यानी कि स्वीकार कर ले उस चीज़ को, स्वीकार करके उसका जवाब दे बाकायदा, या उसको रिजेक्ट कर दे कि भाई इसमें रिजेक्ट का कारण बताना पड़ेगा जो आगे हम पढ़ेंगे धारा 8 में और 9 में
ये कह दे कि हम रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं इससे भारत की एकता अखंडता वगैरह या सुरक्षा या किसी रणनीति इसमें बाधा पहुंचती है, किसी कोड का मानना होती है, इस प्रकार का कोई कारण देते हुए रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन वही 30 दिन में करना होगा। या फिर जवाब दे सकता है, यानी जो सूचना मांगी उसका वह जवाब दे देगा कि ये सूचना आपने मांगी उसका ये आंसर रहा। या फिर जवाब देने का एक ये भी मतलब है कि आपने जो सूचना मांगी है उस सूचना को देने के लिए हमें इस चीज़ में समय और लगेगा, फलानी जगह से और दूसरे हमारे विभाग का कोई सब सेक्शन है उसमें से जानकारी निकालनी होगी, या कोई भी कारण ऐसा है, तो भाई कारण आपको प्रेषित कर देगा 30 दिन के अंदर अंदर और बता देगा कि इसके लिए फर्दर और आगे 10-15 दिन या कुछ दिन और लग सकते हैं। तो इस प्रकार का उसे कुछ ना कुछ जवाब जरूर देना पड़ेगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटे अर्थात 2 दिन जिसको कहते हैं, तो 48 घंटे के अंदर उसे जानकारी दे करके उस अनुरोध का निपटारा करना होगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक। अब देखिए इसमें जो फीस की आगे बात आएगी वो आएगी इसी धारा 7 के 7(1) के तहत, यानी धारा 7 की उपधारा 1 के तहत। तो फीस आएगी एक तो धारा 6 की 1 उपधारा 6(1) या 7(1) के तहत, और तीसरी आएगी 7(5) के तहत। तो 6(1) 7(1) 7(5) तीन तरीके की फीसों की बात होगी। 6(1) में फीस कौन सी होगी? आवेदन वाली, जो ₹10 स्टाम्प लगेगा। 7(1) और 7(5) दोनों सेम प्रकार की फीस होगी, वो होगी कि जो जवाब मिल रहा है, सूचना जो दी जा रही है, तो जो आपको आंसर मिलेगा या सूचना मिलेगी उसकी जो फीस लगेगी। अब उसमें फीस में कौन कौन सी आ जाएगी? तो 7(1) में जो आ जाएगी वो अन्य प्रकार की फीस आ जाएगी, प्रिंट निकलवाने के अलावा कोई दूसरे तरीके से, कि आपको प्रिंट चाहिए या CD रूप में चाहिए, इसमें जो खर्चा आएगा वो है 7(5) के तहत होगा। और इसके अलावा जो है, यानी उसके निरीक्षण के लिए या वो खुद एक दो कागज़ में जो खुद लिख के जो आंसर देंगे उसमें जो फीस लगेगी कि वह फीस जो आवश्यक होगी, तो उतनी फीस जो है, तो ध्यान रखें फीस के लिए 6(1) 7(1) और 7(5) इसका जो प्रिंट वाली है वो 7(5) में, ये ध्यान रखना है हमें। इसके बाद आगे आते हैं इसी धारा 7 में, एक जरूरी ये पढ़ लेना, धारा 7 की उपधारा 6, यानी 7(6) जरूर पढ़ लें अपने एक्ट में, ये मैं इसमें लिख नहीं पाया, आप जरूर पढ़ लीजिएगा 7(6). तो 7(6) में ये दिया है कि यदि मान लीजिए जो टाइम लिमिट है, यानी 30 दिन वाली, तो टाइम लिमिट के अंदर अंदर यदि सूचना देने में असफल रहता है, अर्थात सीधी भाषा में बोलें तो वह लेट हो जाता है, सूचना नहीं दे पाया, टाइम निकल गया, तो उस स्थिति में सूचना मांगने वाले व्यक्ति को वह अधिकारी वह जानकारी देगा, और जानकारी बिना प्रभार के देगा, अर्थात नो फीस, कोई फीस नहीं लगेगी। तो फीस सिर्फ दो स्थिति में नहीं लगेगी आपकी, या तो आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, BPL कार्डधारी हैं, तो उसका आपको आवेदन के साथ साथ उस बाबत आपको उसका कागज़ जो है प्रिंट भाई लगाना पड़ेगा, या फिर दूसरा है 7(6) के तहत कि टाइम लिमिट निकल गया, अधिकारी जानकारी देने में लेट हो गए तो अब जानकारी देंगे तो कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक। ये दो पॉइंट जरूर आप याद रखना, मैं इसमें लिखना भूल गया। अब इसके आगे हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो है, अब धारा 8 और 9, ये हैं जानकारी ना देने का कारण कि किस किस आधार पर जानकारी दिए जाने से छूट उनको प्राप्त है विभागों को। सबसे पहले धारा 8 है, सूचना प्रकट किए जाने से छूट। इसमें मैंने लिखा नहीं है क्योंकि कॉमन सेंस वाली चीज़ें, मैं इसको बोल के आपको बता देता हूँ। इसमें ऐसी कोई जानकारी वो नहीं दे सकते जिससे भारत की सॉवरेनिटी अर्थात प्रभुता, अखंडता या राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, इस प्रकार के कोई या अन्य देशों से हमारे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उल्टा प्रभाव पड़े, या किसी प्रकार का अपराध करने का लिए उकसाती हो कोई ऐसी जानकारी, या दूसरा है कोई कोर्ट ने अभिव्यक्त रूप से यानी डायरेक्टली मना किया है कि आप इस प्रकार की कोई जानकारी को छाप नहीं सकते, प्रिंट नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, ठीक। या मान लीजिए कोई जानकारी देने से किसी कोर्ट का अवमानना होती है तो उसे देने से मना कर सकता है, या किसी संसद या विधानमंडल जो है उसका विशेष अधिकार यदि भंग होता है तो उसके लिए भी, ठीक, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई किसी की बौद्धिक संपदा या कोई व्यापार से संबंधित कोई जानकारी है जिससे किसी व्यक्ति के
व्यापार में उसको हानि हो सकती है तो उसकी भी जानकारी देने से मना कर सकता है। कोई विदेशी सरकार से हमें विश्वास में प्राप्त अगर कोई सूचना हुई है सरकार को तो भाई भी देने से मना कर सकती है, या किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाले या किसी अपराधी को पकड़े जाने उसकी जाँच करने में या उसका केस चलाए जाने में कोई बाधा आ सकती है, तो इस प्रकार के कोई भी जानकारी देने से वो मना कर सकता है। इसकी छूट इनको दी गई है विभागों को। और धारा 9 है कुछ मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। इसमें जो रिजेक्शन का कारण है वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट आप जानते हैं एक प्रकार की बौद्धिक संपदा होती है कि मान लीजिए मैंने कोई बुक लिखी अपने खुद के विचारों से, जैसे लोगों की कविताओं वगैरह की बुक्स होती है, कहानियों की बुक्स होती है, तो ये उसकी बौद्धिक संपदा है, ये उसकी खुद की संपत्ति है, मैं उसका कॉपीराइट करा सकता है। कॉपीराइट करा लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति उस बुक को का यूज कहीं करेगा अपने फ़ायदे के लिए तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। उसके लिए हमें पहले उसके मालिक जो उसने लिखा है उससे, उसके लेखक से परमिशन लेनी होगी, इसे कहते हैं कॉपीराइट। इसके बाद धारा 10 बड़ी इंपॉर्टेंट है, पृथक्करण, समझने की दृष्टि से ज़्यादा है। धारा 10 है पृथक्करण। इसकी सीधी बात यह है कि आपने कोई सूचना मांगी, वो सूचना मान लीजिए कुछ हिस्सों में बटी है, सपोज कीजिए दो हिस्सों में बटी है, उस सूचना में एक हिस्सा ऐसा है जो कि ये छूट दिए जाना जो उस पर लागू होता है, अर्थात ऐसी सूचना है जो वह नहीं दे सकते, और दूसरा हिस्सा ऐसा है जो वह छूट दे सकते हैं, सॉरी जानकारी दे सकते हैं आपको। तो एक हिस्से की जानकारी नहीं दे सकते, एक हिस्से की जानकारी दे सकते हैं, और दोनों हिस्सों को मिला करके आपने सूचना मांगी है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा पृथक्करणीयता, यानी अलग अलग करना, ठीक है। पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेट, यानी अलग करना। तो इसमें ये देखना होगा कि आपने जो दो भाग को मिलाकर सूचना मांगी है तो क्या उन दोनों भागों को अलग अलग किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो दोनों भागों को अलग करके जिस भाग की जानकारी दी जा सकती है उसकी जानकारी वो आपको दे देंगे, और जिस भाग की जानकारी नहीं दी जा सकती उसकी बाबत आपको लिख के दे देंगे कि इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती इसीलिए हम इसको नहीं दे रहे हैं, और इतने हिस्से की जानकारी दी जा सकती है इसलिए हम आपको दे रहे हैं। तो पृथक्करण या सेपरेट का मतलब ही हो गया कि जिन दो भागों को आप अलग कर सकते हैं, और मान लीजिए अलग नहीं किया जा सकता तो संपूर्ण जानकारी देने से वो मना कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा धारा 11 वेरी इंपॉर्टेंट, यह पर व्यक्ति सूचना थर्ड पार्टी के लिए। मान लीजिए हमने कोई ऐसी जानकारी मांगी जो किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित है, जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले कोई टीचर है, उससे उसकी पेमेंट वगैरह से संबंधित कोई जानकारी है, उसकी उपस्थिति से संबंधित कोई जानकारी, ये पर व्यक्ति सूचना। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में भाई जो सूचना अधिकारी है, ठीक है, वह उस जानकारी को जो पर व्यक्ति से संबंधित है और साथ ही उस व्यक्ति के लिए वह गोपनीय जानकारी मानी जा रही है, तो वह क्या करेगा कि हमने जैसे वो आवेदन उसे दिया तो वो अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने पर, यानी आवेदन मिलने से 5 दिन के अंदर अंदर उस पर व्यक्ति को लिखित रूप से सूचना देगा, उसे बताएगा कि भाई ऐसी जानकारी आई है, अब आप लिखित में या मौखिक रूप से आप यहाँ पर आइए, ठीक है, इन्वाइट करेगा उसे, आइए और हमें बताइए कि क्या ऐसी जानकारी दी जाए या ना दी जाए, आपका निश्चय क्या कहता है, ठीक है, आप परमिशन दें या ना दें, जैसा भी है आपका भाई आप बताइए, ठीक। तो भाई 5 दिन उसमें ये हो जाएंगे, ठीक। अब जो दूसरा व्यक्ति है, पर व्यक्ति है, ठीक है, उस पर जो सूचना की तामील की जाएगी कि भाई हम ऐसा ऐसा ये कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उसको जो प्रकटन का मौका मिलेगा, तो 5 दिन तो हो गए शुरू के पर व्यक्ति को बताने के, अब उसको अभ्यावेदन करना है यानी अपनी बात रखनी है, तो अपनी बात रखने के लिए उसे 10 दिन का मौका दिया जाएगा। तो इस तरीके से 5 दिन हो गए उसको बताने के और 10 दिन हो गए उसकी बात सुनने के, इस तरीके से टोटल टाइम इस स्थिति में कितना हो जाएगा, तो 30 दिन में पूरा आंसर देना है और 5 और 10 15 दिन ये हो गए, तो पर व्यक्ति वाली स्थिति में मिला करके 30 और 15 45 दिन में आंसर आपको देना ही होगा, ठीक। अब मान लीजिए पर व्यक्ति ने परमिशन दे दी तो ठीक है, वो जानकारी दी जा सकती है, लेकिन यदि परमिशन नहीं दी, ठीक है, तो परमिशन नहीं दी उस स्थिति में अधिकारी को यह देखना होगा, सूचना अधिकारी को, कि अगर जानकारी दी जाती है तो जानकारी का दिए जाने से लोक हित यदि अधिक हो, उस व्यक्ति की परेशानी से अधिक लोक हित हो, तो उस स्थिति में वह जानकारी जरूर उपलब्ध कराएगा, इसमें लोक हित देखा जाएगा।
ठीक, तो 5 दिन में पर व्यक्ति को सूचना देंगे। पर व्यक्ति को सूचना प्राप्ति के 10 दिन में प्रकटन किए जाने के विरुद्ध आवेदन दे सकता है। तो इस तरीके सूचना अधिकारी जो है आवेदन की तारीख से 40 दिन में आवेदक को जानकारी देगा या नहीं देने की सूचना देगा। 40 दिन इस तरीके से हैं और ओवरऑल मिलाकर 45 दिन। अब जानकारी देने के निश्चय के विरुद्ध वह व्यक्ति पर व्यक्ति जो है वह धारा 19 के तहत अपील कर सकता है। मान लीजिए कि उसने मना किया लेकिन लोकहित ऐसा लग रहा है अधिकारी को कि लोकहित अधिक है और वह पर व्यक्ति वाली जानकारी दे देता है। इससे पर व्यक्ति क्या होगा, व्यथित हो जाएगा, उसे लगेगा कि मैंने मना किया फिर भी इन्होंने जानकारी दी। तो इस बात के लिए भाई इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। धारा 19 में हम आगे पढ़ेंगे, ये अपील कर सकता है। अब आगे पढ़ेंगे गठन अवधि और हटाया जाना, ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ ले ली क्योंकि ये कॉमन है, याद करने की दृष्टि से आसान हो जाएंगी। तो पहला है केंद्र और दूसरा राज्य। तो केंद्र का मतलब है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य का अर्थ है राज्य सूचना आयोग। तो केंद्र सूचना आयोग की 3 धाराएं हैं 12, 13 और 14 और राज्य सूचना आयोग की 3 धाराएं 15, 16 और 17। यानी केंद्र की जो भी चीज़ पढ़ेंगे हम उसमें 3 जोड़ देंगे तो राज्य वाली बात आ जाएगी। तो जैसे केंद्रीय जो सूचना आयोग है उसका गठन, देखिए मैंने गठन पहले लिखा है, अवधि लिखी है और हटाया जाना, एक क्रम से ही हम पढ़ेंगे। तो गठन सबसे पहले पढ़ें तो केंद्र, केंद्र का अर्थ है केंद्रीय सूचना आयोग, इसका गठन तो सबसे पहले लिखा 12 यानी धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है। तो गठन जो है कौन करेगा, केंद्रीय सरकार करेगी, जैसा मैंने लिखा है धारा 12 केंद्र सरकार गठन करेगी। कितने लोग होंगे इसमें, 11 जिनमें एक होगा मुख्य सूचना आयुक्त और 10 होंगे सूचना आयुक्त जिनको सदस्य कहेंगे। 10 से अनधिक का अर्थ है 10 से अधिक नहीं होंगे, 10 से कम हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं। तो एक मुख्य और बाकी सूचना आयुक्त जो है कुल 11 हो सकते हैं। नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, इन सभी को नियुक्त राष्ट्रपति करेगा लेकिन इस आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगी, ये ध्यान रखें। अच्छा नियुक्ति किस आधार पर करेगा राष्ट्रपति, एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। समिति किस किस से मिलकर बनेगी, तो समिति में देश का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, इसके अलावा समिति में सदस्य होंगे जिनमें एक सदस्य होगा वह लोकसभा में विपक्षी पार्टी का नेता होगा और दूसरा सदस्य होगा वह प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया, यानी प्रधानमंत्री जिसका नाम बताएगा सिफारिश करेगा वह व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति कौन होना चाहिए, उस संघ मंत्रिमंडल का यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री होना चाहिए। तो 3 लोग हो गए जिसमें PM अध्यक्ष होंगे उस समिति में, लोकसभा में विपक्ष का नेता एक सदस्य और PM द्वारा बताया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री दूसरा सदस्य, इन्हें मिलकर समिति बनेगी। वह समिति कुछ नामों की सिफारिश करेगी कि इन्हें इनको मुख्य सूचना आयुक्त तो सूचना आयुक्त तो बनाया जाना चाहिए। उन नामों पर राष्ट्रपति विचार करके राष्ट्रपति उनको नियुक्ति दिलाएंगे, क्लियर। इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय दिल्ली में होगा। अब इसी में आगे पढ़ते हैं धारा 15। देखिए 12 के 13 नहीं, मैं सीधे 15 बता रहा हूँ ताकि दोनों में समानता आप समझ सकें। तो अभी हमने पढ़ा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, अब धारा 15 में राज्य सूचना आयोग का गठन। बड़ा आसान है, केंद्रीय आयोग का गठन केंद्र सरकार, तो राज्य आयोग का गठन राज्य सरकार, ठीक। इसमें कुल सदस्य 11, इसमें भी कुल सदस्य 11, इसमें सदस्यों में एक मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, तो यह राज्य वाले में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएगा। वहाँ 10 से अनाधिक सदस्य, यहाँ 10 से अनाधिक सदस्य कॉमन है। यहाँ पर नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो राज्य में नियुक्ति राज्यपाल करेगा। किस आधार पर नियुक्ति होगी, तो समिति की सिफारिश पर होगी केंद्र में, राज्य में भी समिति की सिफारिश पर नियुक्ति होगी। केंद्र में समिति में कौन होगा, PM अध्यक्ष होगा, राज्य में समिति में CM अध्यक्ष होगा। केंद्र की समिति में लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा एक सदस्य और राज्य की समिति है उसमें एक सदस्य होगा विधानसभा में विपक्ष का नेता, वहाँ लोकसभा में विपक्ष का नेता या विधानसभा में विपक्ष का नेता। दूसरा सदस्य केंद्रीय समिति में प्रधानमंत्री द्वारा बताया गया एक मंत्री होगा और राज्य में दूसरा सदस्य CM द्वारा बताया गया राज्य मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा, वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्य मंत्रिमंडल है, वहाँ PM बता रहा है नाम या CM बता रहा है नाम, दोनों याद हो गए 12 और 15। अब हम पढ़ेंगे 13 और 16, इसमें दोनों आयोगों की अवधियाँ बताई जाएंगी, ठीक है, आयोग के जो सदस्य हैं उनके पदावधि। और फिर 14 और 17 पढ़ेंगे, इसमें दोनों को हटाए जाने की प्रोसेस पढ़ेंगे। तो धारा 13 कहती है पद अवधि कितनी होगी, पद अवधि होगी मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य जो आयुक्त है सभी की होगी 5 साल तक की अवधि या 65 वर्ष उनकी उम्र होने तक, इनमें से जो पहले हो, ठीक है। मान लीजिए 5 वर्ष
और नहीं तक भाई 65 वर्ष का नहीं हुआ तो 5 साल की अपनी पदावधि पूरी करेगा। या मान लीजिए 5 साल के लिए बैठा है लेकिन बीच में ही उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो वह पद से हट जाएगा। अच्छा, इसमें पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, ये ध्यान रखिए पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। तो ना तो मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति यानी दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है, ना ही सूचना आयुक्त जो है वह दोबारा सूचना आयुक्त बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है जो अदर अन्य जो सूचना आयुक्त यानी सदस्य हैं वह अपने ही पद पर दोबारा पुनर्नियुक्त तो नहीं होंगे लेकिन अपने से सीनियर पद अर्थात मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी स्थिति ये है कि वो सूचना आयुक्त के रूप में उनका टाइम और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में उनका टाइम दोनों अवधि मिलाकर के 5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी स्थिति में 5 साल से अधिक अवधि तो होगी ही नहीं, ठीक है। और इसमें शपथ और पद त्याग दोनों राष्ट्रपति को संबोधित करके दिए जा सकते हैं, ठीक है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाएगा और पद त्याग राष्ट्रपति के नाम पर लिख करके वह पदत्याग कर सकता है। तो ये धारा 16 पद अवधि में मैंने लिख दिया वही का अर्थ है सेम वैसे का वैसा होगा, सिर्फ अंतर क्या हो जाएगा, देखिए समय वही है 5 वर्ष या 65 वर्ष, पुनर्नियुक्ति सेम है, ठीक है। और जो सूचना आयुक्त है भाई मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हो सकता है, बिल्कुल सेम बात है। दोनों रूप में अगर वो नियुक्त होता है तो कुल अवधि वही 5 साल वाली रहेगी। इसमें शपथ राज्यपाल दिलाएगा, बस इतना सा अंतर है। और पद त्याग भी राज्यपाल को के नाम पर लिखकर वह पद त्याग कर सकता है, बस इतना अंतर है, ठीक है। पद त्याग वहाँ राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। अब आ जाते हैं हटाया जाना धारा 14 और 17। धारा 14 है केंद्रीय आयोग के सदस्यों को हटाया जाना और धारा 17 है राज्य आयोग के सदस्यों को हटाया जाना। तो 14 में है हटाया जाना, वही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। किस किस आधार पर हटाया जा सकता है ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति हटाएगा कदाचार जो कि साबित हो चुका हो यानी भ्रष्टाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें मैंने इसमें लिखी नहीं है, आप समझ लीजिए कि एक तो साबित कदाचार और असमर्थता है, तो ये दोनों चीज़ों के आधार पर राष्ट्रपति कब हटाएगा, जब राष्ट्रपति इस बाबत निर्देश देगा। उस निर्देश का पालन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, जांच करके वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो यदि सुप्रीम कोर्ट की उस जांच में उस रिपोर्ट में माना जाता है कि उसने साबित कदाचार या असमर्थता है तब राष्ट्रपति हटाएगा। यानी राष्ट्रपति धारा 14 के तहत हटा सकता है साबित कदाचार और असमर्थता पर कब, जाँच करने के बाद। जबकि इसी में आगे आप पढ़ेंगे कि वही राष्ट्रपति बिना जांच के डायरेक्ट भी हटा सकता है, तो उसके लिए कौन कौन सी स्थिति है भाई सुन लीजिए आप, एक्ट में देख लें। दिवालिया होना, दोष सिद्ध होना किसी अपराध के लिए, या कोई अन्य वैतनिक नियोजन यानी किसी दूसरी नौकरी भी कर रहा है वो इसी पद पर रहते हुए भी, कोई दूसरे उसमें है या लाभ के पद पर है, या वह शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है, या कोई अन्य वित्तीय वृत्ति कर रहा है अदर प्रोफेशन में है, ठीक है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति बिना जांच के ही स्वयं उसको पद से हटा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इन दो स्थितियों में जांच के बाद हटा सकता है, बाकी स्थितियों में बिना जांच के डायरेक्ट हटा सकता है। धारा 17 में हटाया जाना सेम वही चीज है, राज्य आयोग के सदस्य जितने हैं चाहे मुख्य आयुक्त हो चाहे अदर आयुक्त हैं उन सभी को सेम पूरी स्थिति यही केंद्र वाली पालन करके राज्यपाल इसको हटा सकता है, ये आपको याद रखना। देख लें इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, धारा 17 ठीक है। अच्छा, इसमें ये याद रखना है, कन्फ्यूजन हो सकता है तो ये याद रखें कि ये जो जांच रिपोर्ट है ये केंद्र में राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल है, लेकिन जांच रिपोर्ट केंद्र और राज्य दोनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही जांच की जाएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि जब केंद्र में राष्ट्रपति चल रहा है, केंद्र सरकार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, तो राज्य में हो सकता है कि राज्य सरकार राज्यपाल के साथ हाई कोर्ट आ जाए, या हाई कोर्ट नहीं है ये ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट ही जांच करेगा दोनों स्थितियों में। अब आ जाते हैं धारा 18। तो धारा 18 कहती है सूचना आयोगों की शक्तियाँ और उनके कार्य। तो सूचना आयोगों यानी ऊपर के दोनों केंद्रीय और राज्य दोनों आयोगों की शक्तियाँ इन्होंने एक साथ बताई हैं। तो क्या शक्तियाँ हैं कि
जो सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसकी यदि कोई शिकायत है तो उस शिकायत को भाई आयोग प्राप्त करेगा और शिकायत की जांच करेगा। किस प्रकार की शिकायत हो सकती है कि जो लोक सूचना अधिकारी है उसने जानकारी नहीं दी है। अब जानकारी नहीं दी क्यों नहीं दी कि मान लीजिए इस प्रकार का कोई अधिकारी ही नहीं है उस विभाग में, तो वह क्या करेगा, उस अधिकारी की नियुक्ति करेगा, ठीक है। या मान लीजिए जो लोक सूचना अधिकारी है उसने आवेदन लेने से ही मना कर दिया है, या फिर आवेदन तो ले लिया लेकिन सूचना देने से मना कर दिया। कई बार होता है पहले अधिकारी कहते थे कि हम नहीं दे रहे क्या कर लोगे जाओ, तो इस प्रकार की जो स्थिति उसे कहेंगे सूचना देने से मना कर दिया है। इसके अलावा तीसरा है कि जवाब ही नहीं दिया, अर्थात टाइम पूरा टाइम निकाल दिया, टाल दिया उसको, ठीक है, कह दिया हम दे रहे हैं और पूरा समय निकाल दिया 30 दिन का और जवाब नहीं दिया। या मान लीजिए गलत फीस उससे ले ली गई ताकि ये ज़्यादा पैसे वगैरह देगा तो अपने आप इससे गलत पैसे बोल दो तो ये शायद सूचना ना मांगे, तो वो गलत फीस वाली स्थिति की शिकायत भाई भी आयोग सुनेगा। या मान लीजिए उसको जानकारी दी वो झूठी जानकारी दे दी या कोई भ्रामक जानकारी दी, ऐसी जानकारी दी जो उसने मांगी थी वह ना देते हुए मिक्स कर दिए, कोई कन्फ्यूजन वाली जिसको भ्रमपूर्ण स्थिति बोलते हैं ऐसी कोई जानकारी दे दी है, तो इन सभी की वह सुनवाई करेगा कौन, केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग, जैसी भी स्थिति हो वैसी। अब इसमें दोनों आयोगों को शक्तियाँ जो प्राप्त होंगी वो किसके समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी, तो एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी बाय सिविल कोर्ट जो CPC के तहत वाद का विचारण कर रहा हो, ठीक। इसको हम CPC में और देख लेंगे कि सिविल कोर्ट को कौन कौन सी पावर्स होती हैं, अभी आप एक्ट में इतना देख लें जिससे हमारा काम चल जाए परीक्षा की दृष्टि से। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है धारा 19, ये है अपील की बात करता है। अपील कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक है, ध्यान रखिए। अपील कितने दिन में होगी, 30 दिन में। पर व्यक्ति वाली अपील भी कितने दिन में होगी, 30 दिन में होगी, ये ध्यान रखना है, अलग टाइम नहीं है, वह भी 30 दिन और ये भी 30 दिन। इसके बाद लोक सूचना अधिकारी की सीनियर रैंक को ये अपील होगी, ठीक है, अपील किसकी होगी, हमने जिससे जानकारी मांगी उस अधिकारी का सीनियर। इसके बाद दूसरी अपील, पहली अपील के खिलाफ जो दूसरी अपील होगी वो कितने में होगी, वह होगी 90 दिन के भीतर होगी, और ये किसको होगी, उस सीनियर रैंक का जो अधिकारी है उसके खिलाफ और आयोग को होगी। कौन सा आयोग, तो जैसी स्थिति हो केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग, अर्थात कोई ऐसा संगठन है जो केंद्रीय आयोग के अंतर्गत उसको है, केंद्र सरकार के अंतर्गत है तो वहाँ केंद्रीय आयोग करेगा, और राज्य के अंतर्गत है तो राज्य आयोग उसकी सुनवाई करेगा, ठीक है। तो केंद्रीय राज्य सूचना आयोगों को ये दूसरी अपील होगी। धारा 20, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धारा 20 शास्ति के बारे में बात करती है, शास्ति यानी कि पेनल्टी। तो पेनल्टी इसमें कितनी लगेगी, जो अधिकारी जानकारी देने से मना कर रहा है लोक सूचना अधिकारी उसको ₹250 पर डे, यानी 30 दिन निकल गए उसने जानकारी नहीं दी, ठीक है, या जिस दिन जानकारी दे दी हमें मिल गई लेकिन गलत जानकारी है तो जिस दिन मिली उस दिन से गिना जाएगा, और ₹250 पर डे, लेकिन कितना, इसकी भी एक लिमिट है, ₹250 पर डे के हिसाब से मैक्सिमम ₹25,000 तक के उस पर जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है और वह जुर्माना उसको चुकाना होगा। इसके बाद अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये और है, ये है सबूत का भार, अर्थात साबित करने का भार, कि जानकारी दी है कि नहीं दी है या गलत काम किया है उसको जानकारी देने से मना किया है, तो इस बाबत ये उपधारणा की जाएगी, माना जाएगा कि अधिकारी ने ऐसा किया यानी अपना काम सही से नहीं किया। अब अधिकारी ने सही से काम किया यह साबित करने का भार जो है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी अधिकारी पर होगा, उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने अपना काम ईमानदारी से किया था, ठीक है। तो ध्यान रखें सबूत का भार किस पर होगा, अधिकारी पर होगा, और अधिकारी को भी ये फाइन डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, अधिकारी को पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा कि भाई, वैसे आपने पढ़ाई होगा कानून की पहली युक्ति होती है कि दोनों पक्षों की सुनिए, तो जिसने शिकायत की उसकी सुन ली, अब अधिकारी के खिलाफ शिकायत है तो अधिकारी को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, जैसे धारा 21 सद्भावपूर्वक कामों के लिए संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी जो सद्भावपूर्वक काम करता है, ठीक है, उसके लिए किसी प्रकार का मुकदमा, केस, वाद, अभियोजन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग से उसको बचाया जाएगा, उसके लिए संरक्षण किया जाएगा, ये कॉमन सी बात है। इसके बाद धारा 22, ये
कहती है कि शासकीय गोपनीय बात एक्ट 1923 का जो है, जो कि इस आरटीआई एक्ट की सबसे बड़ी बाधा है, उस पर तथा इसी प्रकार के किसी अन्य एक्ट पर ये आरटीआई अध्यारोही प्रभाव रखेगा, अर्थात ओवरराइड करेगा। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि हमेशा ओवरराइड नहीं करेगा, इसमें ये देखना होगा कि जो बात गोपनीय बात अधिनियम जो हम इसमें देख रहे हैं 1923, इस अधिनियम के तहत किसी बात के बारे में लिखा है कि इसे नहीं बता सकते, सीक्रेट है, ये गोपनीय है, और वही आरटीआई कह रही है इसको बताना चाहिए, तो इस स्थिति में कौन किस पर अध्यारोही प्रभाव रखेगा, इसके लिए ये देखना होगा कि गोपनीय रखा जाने से नुकसान कितना हो रहा है और बताए जाने से नुकसान कितना हो रहा है या फ़ायदा कितना हो रहा है लोकहित का, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। तो यदि जनहित ज़्यादा होगा बताए जाने से, तो उस स्थिति में आरटीआई एक्ट जो है इस गोपनीय बात एक्ट पर ओवरराइड कर जाएगा, अध्यारोही प्रभाव रखेगा। और मान लीजिए जनहित कम है और नुकसान ज़्यादा हो सकता है देश को, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में शासकीय गोपनीय बात एक्ट हुए इस यह रखेगा अध्यारोही प्रभाव। ये कॉमन सी बात है। इसके आगे धारा 23 कहती है कोर्ट की अधिकारिता का वर्जन, यानी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो इसमें कोर्ट की कोई अधिकारिता नहीं होगी, कोई भी उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, कोर्ट आरटीआई से संबंधित कोई मामला नहीं लेगा। तो इसमें लिखा है आरटीआई के किसी भी आदेश के संबंध में कोई वाद आवेदन या अन्य कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात आरटीआई में कोई भी आदेश जो होता है उसको कभी भी प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। हाँ, उस पर क्वेश्चन सिर्फ कब उठेगा, जो हमने पढ़ा धारा 19 में, अपील में, ठीक है, अपील में उस आदेश को प्रश्नगत किया जा सकता है, इसके अलावा कहीं पर भी उस आदेश को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसके बाद आगे है धारा 24 ये बात करती है कि ये जो एक्ट आरटीआई ये किन किन संगठनों पर लागू नहीं होगा। ठीक, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा गठित किए गए आसूचना संगठन और सुरक्षा संगठन। देखिए, सुरक्षा संगठन आप जानते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, पुलिस विभाग से संबंधित है, आर्मी से संबंधित है, ये सभी सीबीआई वगैरह सभी सुरक्षा संगठन। अब इसमें आसूचना क्या आ गया, आसूचना बोला जाता है जासूसी संगठनों को। ठीक है, तो जासूसी संगठन जैसे कि रॉ है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीआईडी, सीबीआई, इस प्रकार की जो विभाग है इनको कहते हैं आसूचना विभाग, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जासूसी संगठन। तो इन पर ये लागू नहीं होता। तो कौन कौन से ऐसे संगठन हैं, किन किन को इस लिस्ट में डाला गया है, तो भाई लिस्ट हमारी इसी एक्ट के पीछे दूसरी अनुसूची, इसमें दो अनुसूचियाँ ध्यान रखना आरटीआई में, तो दूसरी अनुसूची में भाई पूरी लिस्ट दी हुई है जिसमें सारे संगठनों के नाम हैं जिन पर कि यह आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता। परंतु ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जिन संगठनों पर यह एक्ट लागू नहीं होता, उन्हीं संगठनों पर किस स्थिति में यह एक्ट लागू होगा। तो भाई स्थिति दो है, पहला मानवाधिकार का उल्लंघन और दूसरा भ्रष्टाचार के मामले। यदि ऐसे किसी संगठन जिन पर यह लागू नहीं होता, कोई सुरक्षा या जासूसी संगठन, यदि उनके द्वारा कोई मानवाधिकार का उल्लंघन कहीं किया गया, ऐसा कोई मामला आया है, या उन संगठन के अंदर कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है, तो उससे संबंधित जानकारी मांगी जाएगी, तो आरटीआई के तहत जानकारी देनी होगी। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि मानवाधिकार के संबंध में अगर सूचना मांगी गई है, तो सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद ही वह जानकारी दी जाएगी, ये ध्यान रखना। इसके लिए पहले अनुमोदन लगेगा सूचना आयोग का, किसका, केंद्रीय सूचना आयोग का, ठीक है, तो या राज्य का कोई संगठन है तो राज्य सूचना आयोग का अनुमोदन लगेगा, उसके बाद ही सूचना दी जाएगी। और कितने दिन में दी जाएगी, आवेदन प्राप्ति के 45 दिन में वह सूचना दी जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं धारा 25 कोई खास नहीं है, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। तो वही केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग दोनों हर साल के अंत में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को समुचित सरकार को भेज देंगे, यानी अपनी अपनी जो सरकार हेड है उसको भेज देंगे। समुचित सरकार हमने शुरू में देखा ही था, पढ़ा था, तो उनको ये रिपोर्ट भेज देंगे। बस इसी से संबंधित पूरा ये सेक्शन है, तो ये कुछ खास नहीं है, पूछा नहीं जाता ज़्यादा, पर इतना ध्यान रखें वार्षिक रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद धारा 26 ये भी कोई खास नहीं है, समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना, ये सीधी बात है जागरूक किए जाने के, आमजन को जागरूक किया जाना। इसके अलावा जो आरटीआई विभाग हैं, हर विभाग के अंदर आरटीआई वाला जो सेक्शन है उसके जो कर्मचारी हैं, स्टाफ है, उनको आरटीआई के बारे में और
प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना, इसको जागरूक करने के लिए जगह जगह कैंप लगाना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए विज्ञापन करना, प्रचार प्रसार करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार करने के अंतर्गत धारा 26। अब ये इंपॉर्टेंट है नियम बनाना, तो ध्यान रखें नियम बनाना धारा 27-28 दोनों में दिया है। धारा 27 बात करती है नियम बनाने की, किसकी शक्ति है, समुचित सरकार की, तो केंद्र राज्य दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 27 है, और धारा 28 है नियम बनाना सक्षम प्राधिकारी की शक्ति है नियम बनाने की। तो ये दोनों ध्यान रखें, नियम बनाने की शक्ति किस किस पे, समुचित सरकार और सक्षम प्राधिकारी दोनों की है। इसके बाद धारा 29 कोई खास नहीं है, ये एक सिंपल सी प्रोसेस है कि जब नियम कोई बनाएगा तो उन नियमों को, जैसे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, तो भाई उन नियमों को बनाने के बाद इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों हैं, वो क्या करेंगे अपने अपने संसद में, जैसे केंद्र की संसद है और राज्य में राज्य विधानमंडल है, उसके पटल पर उसको रखेंगे जो नियम बनाए गए, ठीक है। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा है। धारा 30 बात करती है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, ठीक। तो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ये अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, फिर भी हमें एक सामान्य सी बात ध्यान में रखनी होगी, इसमें केंद्रीय सरकार आएगी। कठिनाई दूर करने का मतलब है कि मान लीजिए कि RTI जिस समय लागू हुआ उससे पहले से कोई मामला चल रहा है, कोई सूचना से संबंधित कोई समस्या आती है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उस पर आखिरी निर्णय कौन लेगा, उस कठिनाई को दूर कौन करेगा, किसकी बात को अंतिम माना जाएगा। तो इस स्थिति में केंद्र सरकार ही उस कठिनाई को दूर करेगी कि शासकीय बात में कोई सेक्शन है, कोई प्रोविजन है, RTI में कोई सेक्शन है, तो इसको लेके कौन ये डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ मानी जाए, ठीक है। तो इसमें डिसाइड कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और आखिरी है धारा 31, ये है निरसन यानी रिपील। तो ध्यान रखें जब भी कोई नया एक्ट बनता है तो नया एक्ट बनने के लिए पुराना कुछ ना कुछ रिपील करना होता है, हटाना होता है, निरसित करना होता है। तो या तो पुराना कोई एक्ट जो पहले से बन रखा हो, या मान लीजिए कोई एक्ट नहीं बना है तो पहले कोई अध्यादेश बनता है उसके बाद ही वो कानून बनता है। जब कानून बनेगा तो पुराना कोई एक्ट या पुराना कोई अध्यादेश जो है ऑर्डिनेंस, उसको रिपील करना होता है। तो ये सूचना का अधिकार एक्ट जो बना 2005 का, इसे बनाने के लिए सूचना स्वतंत्र एक्ट 2002 इसको रिपील किया गया था, उसके बाद ये एक्ट बना था। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप फीडबैक जरूर दें, यदि अच्छा लगा तब भी फीडबैक दें, और जो भी कमी रही उसके लिए फीडबैक जरूर दें, ताकि हम अपने पढ़ाने की और पढ़ने की प्रक्रिया में और बेहतर सुधार कर सकें। धन्यवाद।